क्या बचा? हाँ ब्रेस उसमें दे दिया। देखिए कैरेक्टर फिक्शनल हो या असली हो, आपको स्क्रिप्ट के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। आप 22 साल 20 साल आप जो एक्चुअल वो जिंदगी थी वो आप दिखा नहीं सकते हैं एक पिक्चर के अंदर, तो उसके अंदर जो एक्सर्प्ट्स होते हैं ऑब्वियसली आपकी जो आपको आपका दिखना होता है और आपका जो उस कैरेक्टर का स्ट्रगल होता है, जो आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है आउटसाइड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, वो आपकी मदद कर सकती है पर वो आपको लिमिट भी कर सकती है। वेयर इज एक फिक्शनल कैरेक्टर में यू आर फ्री, यू आर मोर, यू गॉट मोर फ्रीडम, यू कैन फाइंड मोर थिंग्स। इट्स अ हार्डर चॉइस टू मेक इफ इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, बिकॉज इन अ इन अ इन अ कैरेक्टर व्हिच इज रियल द चॉइसेस आर मेड फॉर यू द वे यू लुक एंड ऑल दैट, बट द चैलेंजेस आर द सेम, द ट्रूथफुलनेस ऑफ द इमोशंस एंड द जर्नी ऑफ व्हाट इज द कैरेक्टर इज इन द फिल्म हैज टू कम अक्रॉस, सो दैट्स द सेम इन बोथ फिल्म्स। ये सवाल मुझे लगता है रणदीप पे ज़्यादा लागू होता है क्योंकि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जिनको सब लोग पहचानते थे, चाहे चार्ल्स ओब्राज हो चाहे सरबजीत हो, फिजिकैलिटी में मैनरिज्म में उनकी लाइफ एक एक तरह से ओपन बुक थी। मुझे रियलिस्टिक, मुझे लाइफ फिल्मों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है रियल लाइफ, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि अगर कभी किसी के साथ हो जाए तो हमें लगता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट है, तो जब रियल लाइफ से फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और मैं बस आई एम लकी कि मुझे ये मौका मिला कि संदीप उमंग सब ने मुझ में विश्वास दिखाया कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये कैरेक्टर फेमस नहीं था जो सुखप्रीत का कौर, सुखप्रीत कौर का जो कैरेक्टर था, तो मुझे रणदीप की तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज या मैनरिज्म्स और उस पर काम नहीं करना पड़ा, पर मैंने इंटरनली ज़्यादा काम किया। पर हाँ मुझे मज़ा आता है, पर देन एक्टर्स को हर चीज़ में मज़ा आता है, रियल कैरेक्टर हो या फिक्शनल। रियलिज्म दिखाना और एक कहानी एक हद तक हमें पता होती है, और जैसे दलवीर ने अपनी इंसिडेंट्स हमको बताई हैं और उस हिसाब से हमने बिना देखे एक्चुअल जेल, लेकिन यू नो उसको रियलिज्म में कैसे दिखाना है और कैरेक्टर्स को हर कौन से इंसिडेंट पर पकड़ना है, मतलब इतने 23 साल की जर्नी है तो कौन से रियल इंसिडेंट्स पकड़ के एक पिक्चर बनती है जो 2 घंटे में फिट हो सके, तो वो हमने कोशिश की है और उसमें इमोशंस लाए हैं, क्या वो जेल में कैसे रह चुका है, फैमिली कैसे सफर कर चुकी है, वो सब मिला के एक पिक्चर हमने बनाई है, तो ऑब्वियसली रियलिज्म में हम ज्यादा गए हैं। मैंने अभी वो आंसर कर दिया है कि हम बताएंगे उनको, पूरी पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है इस पिक्चर में जो बैन होए, ओके। रियलिज्म जो बता रहे हैं हम दोनों कंट्री के में हो रहे, वहाँ भी हो रही यहाँ भी हो रही, एंड एक रियलाइजेशन होनी चाहिए पिक्चर के बाद, तो देखने के बाद ही पता चलेगा, पहले नहीं कर सकते ऐसे जज। प्रोड्यूसर की कोई चॉइस नहीं, मैं भी प्रोड्यूसर साथ ही हूँ, बट हमारी चॉइस थी, हमें एक सीनियर एक्टर चाहिए थी जो दोनों साइड प्ले कर सके, मतलब एक 22 साल की भी प्ले कर सके और एक 50 साल की, तो इन बिटवीन अ पर्सन आई वांटेड, एंड ऐश्वर्या फिटेड द रोल वेरी वेल। हाँ बोलते हैं वो ग्लैमरस है ब्यूटिफुल है, उनको ये रोल कैसे वो कैसे अपनाएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ हमारा यू नो कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है, डायरेक्शन पर आ जाता है कि कैसे मैं उसको ऐश्वर्या ना दिखाऊं, और मुझे ये पता था कि शी इज अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड शी विल डू एनीथिंग, शी विल गो टू एनी लेंथ। हम बात नहीं करते, क्या है हम गाने के लॉन्च के लिए हैं, भगत सिंह जी को हमने
अपना अर्पण किया आज की पहले बहुत बढ़ गया ठीक है तो हमको इस टॉपिक पे बात नहीं करना इफ यू डोंट माइंड सो नाउ आई विल आस्क कि जिन्होंने 10 महीने से अपने आप को एक रूम में बंद करके गाने कंपोज किए हैं उनको भी उनसे मैं पूछना चाहूंगा कुछ अगर आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो अच्छी बात है एंड आई जस्ट वांट टू ऐड हियर वन थिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया दैट एज अ को प्रोड्यूसर इन रामलीला और मैरी कॉम और बाजीराव और राउडी रणदीप इज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग एक्टर I and Umang have come across. This I wanted to say this. Shail, kya chahiye bhai? Nahi nahi kuch nahi bhai. Ye platform tha batane ke liye to bol diya. Shail and Pritesh, if you can speak about your music. Main puchta hu inse. Haan. Gaane ki speed dekh ke aapko laga ki mujhse gawana chahiye? Nahi, gaana banate waqt hi decide kar leta ki aapse gawana hai. Aapko ye dhyan mein zehen mein aap hi the bas. Kyunki as a composer sapna hota hai ki Sukhi Paaji gaaye hamare liye na. That was कोशिश की है और मुझे अभी भी याद है कि बहुत रेयर ऐसी मोमेंट होती है जब मैं किसी कंपोजर के यहाँ फलों के टोकरे भिजवाता हूँ पूरा टेम्पो गया इनके हम ये बात मुझे नहीं पता थी नहीं तो मैं और उमंग मतलब सर ये तो गलत हो गया हमारे साथ क्या है कि इन्होंने जिस बिकॉज ही इज अ वेरी सुरीला कंपोजर वेरी सुरीला ही हैज ट्रेमेंडस सेंस ऑफ सूर म्यूजिक जब हम लोग गाना कर रहे थे कवाली जो अभी कल सारे गाने सरबजीत के रिलीज हो रहे हैं फिल्म के और वो इतना इमोशनल मोमेंट थे इन्होंने जिस तरह से मुझे गवाया उसके बाद में मैं घर पे आया अपने मैनेजमेंट को बोला कि आप इनको फूलों से फलों से लाद दीजिए और भी भिजवाया था पर मैं उसका नाम नहीं लूंगा बस मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सुखविंदर जी ने एक रुपया भी नहीं लिया दोनों गानों को गाने के लिए मैंने दिया नहीं है नहीं एक्चुअली द बेस्ट थिंग अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं होती चलो टाइम मैगजीन से आयो क्या आपस पास क्या वैनिटी फेयर से आया न्यूज हेल्पलाइन हाँ क्या सवाल था दोबारा पूछ कौन कौन है सभी लोग इंडिपेंडेंट ही होते हैं जब तक कि वो अपना किसी से जुड़ नहीं जाते और कुछ कर नहीं सकते फिल्म डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड इट रिक्वायर्स योर ओन पर्सनल अबिलिटी टू कन्विंस पीपल दैट यू कैन डू इट ओके सो व्हेन दे विल गेट दैट दे विल नॉट बी सो इंडिपेंडेंट एनीमोर There are not very many, many independent directors in our country anyway. They are all waiting to get dates from superstars. और जिन एक मिनट भाई मैं ये कहूँगी कि पहले तो इनका इसका सॉन्ग लॉन्च से कोई ताल्लुक नहीं है पर क्योंकि आपका ट्रेंड वही रहा है सवाल पूछने का मैं इसका जवाब दे देती हूँ ये जो आप इंडिपेंडेंस की बात करें वी आर ऑल इंडिपेंडेंट हम नहीं तो हमसे पहले कोई यहाँ आया होगा ये सोच के एक सपना लेके एट सम स्टेज एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट एंड आप क्यों उमंग से ये सवाल पूछ रहे हैं नहीं मैंने ऑलरेडी जवाब दे नहीं आई हैव गिवन हिम द आंसर इट्स बेसिकली इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को मौका मिलता है मुझे मिला था और ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्राइविंग पीपल हु वांट टू बी इन दिस लाइन हु वांट टू बिकम अ डायरेक्टर यस आप एक स्टोरी ले आओ जो कमाल की है तो ऑब्वियसली आपको फंड्स भी मिल जाएंगे एंड पीपल विल बिलीव इन यू So I just want to say one thing कि हमने ये गाना चुना बाकी सब गानों से because this is one of the happy moments before He went into that life and ये साइड देखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हम जैसों के जैसे एक आम आदमी था और उसके बाद जो इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस एज इंडियंस विल स्टैंड फॉर मैं इस गाने के प्रति एक अपनी भावना व्यक्त जरूर करूंगा कि इस गाने इस फिल्म में जो डांसिंग मोमेंट आई उसमें सुखविंदर सिंह को चुना गया ये सदमा मेरे साथ पहले भाग मिल्खा भाग में भी हो गया था
राकेश ओम प्रकाश मेहरा जब सब पूरी टीम बैठी थी तो उन्होंने कहा कि यार मिल्खा सिंह ने एक बार दारू भी थी, कहते जो पूछ लो उनसे एक बार, तो फोन लगाया तो उन्होंने कहा हाँ यार गलती हो गई थी, पी थी, फिर क्या क्यों होता नाचा बचाते, चलो एक गाना रखो और वही गाना सुखविंदर से गवाएंगे। मैंने कहा भाई उसका टाइटल सॉन्ग है, उसके इमोशनल मूवमेंट है, कहते नहीं ये आपको सूट करता है। और देखिए इसमें एक ही मूवमेंट आती है, इतना ट्रेजिक कंटेंट है, तो इसका मतलब है मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए। आपने मॉनसून वेडिंग में भी एक ऐसा गाना गाया था, कावा कावा, बहुत बहुत वो, सो वो भी हैप्पी मोमेंट थी। यस, तो मतलब ये खुशी की बात है मेरे लिए। सर मेहरबान का है, व्हिच इज just the opposite. Yes. Just the opposite. Yes. So that also is there. चलो. Full credit to you to. तो आप प्रितेश. उस तरफ से ध्यान तो हटा. But मेरा मैं कुछ नहीं हुआ. Sir, अब तक अनाउंस नहीं हुआ है और आज शाम को हमारी एल्बम रिलीज भी हो जाएगी. और होने से पहले मेहरबान सुकर जी शर मेहरबान. ये एक एक्सक्लूसिव है. I mean we were not supposed to do this, but please go ahead and both of you all, meherban. Nahi, nahi, please start. सर से सजदा तो सब करते हैं, सर से सजदा तो सब करते हैं, हम सर को झुका कर जाएंगे, हम सर को झुका कर जाएंगे, रूठा मुकद्दर तेरे ही दर से, रूठा मुकद्दर तेरे ही दर से, आज मना कर जाएंगे, आज मना कर जाएंगे। मेहरबान 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 मेहरबान। बहुत खुश है, थैंक यू। तो ये एब्सोल्युटली म्यूजिकल एफर्ट भी है, बहुत म्यूजिकल है। मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन, मैंने क्योंकि एक दिन में शायद बहुत रेयर मोमेंट होगी किसी एक फिल्म को मैंने दो बार देखा होगा, और वो भी डिस्टेंस में नहीं कि 12 का शो था फिर बाद में 9 का, देख के बाहर आया पॉपकॉर्न लिए अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लिए वापस घुस गया। मैरी कॉम, यस, थैंक यू सर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एवर डायरेक्टर वी हैव गॉट इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। Challenge was that he had trust on us. That was the key factor. And the second thing was it was very easy for us because we were so much involved with the Sarabjit thing. We've gone through the narration of the full narration of the story. We were living like Sarabjit. In a biopic, it's basically, there's a long journey, okay? Like I said, the lip sync song is only Tumla, but the rest of the songs take the movie forward. And it's like a montage that happens in a film, so that lots of years go by and you can fill in with a song instead of creating scenes. And yes, because we are a musical country, so, and there's a lot of scope, you know, Indian music, there's a lot of scope. There are 10 songs in the album. I mean, there are only five main songs in the film, but 10 in the album, because we created such lovely music. I mean, you'll be hearing in the evening, and it doesn't mean that biopics don't have music. And we wanted to, like in Mary Kom also there was music, and so is Sarabji. Thank you so much.